आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में रोज कहीं ना कहीं फिल्मों की शूटिंग हो रही है, रोज कोई ना कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। तो वही फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर कुछ फिल्मों को रिलीज नहीं करना चाहते। अगर भोजपुरी के सुपरस्टार की फिल्म हो तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद फिल्म निर्माताओं के पास दौड़ कर आते हैं और उनकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने की मांग करते हैं। लेकिन अगर फिल्म में नए कलाकार हों तो डिस्ट्रीब्यूटर उन फिल्मों को रिलीज नहीं करना चाहते। ऐसी ही एक फिल्म बिन तेरे ओ साथी रे, जिसका निर्देशक गोपाल पांडे और निर्मात्री मीना केसरी हैं। इस फिल्म के निर्देशक ने फिल्म को रिलीज करने के लिए बहुत से फिल्म वितरक से बात की, कुछ ने तो फिल्म का पोस्टर भी मंगवाया और कहा फिल्म को रिलीज करेंगे, लेकिन नहीं किया, जिसकी वजह से निर्माता को काफी नुकसान हुआ। लेकिन फिल्म के निर्देशक गोपाल पांडे ने हार नहीं मानी और उन्होंने खुद रिलीज करने का फैसला किया। कभी एक थिएटर तो कभी तीन थिएटर में रिलीज किया गया इस फिल्म को, और जब फिल्म को अंबिकापुर में रिलीज किया गया तो फिल्म कुछ थिएटर में 3 हफ्ते तक लगी रही। हाल ही में कुछ दिन पहले इस फिल्म को मुंबई में केवल 2 थिएटर में रिलीज किया गया। फिल्म को जिन 2 थिएटर में रिलीज किया गया वो दोनों थिएटर हाउसफुल हो गए, जिसकी वजह से मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को 22 जून को पूरे मुंबई में रिलीज करने का फैसला किया है। इस फिल्म को जिन भी जगह के थिएटर में रिलीज किया गया वहां दर्शकों ने बहुत चाव के साथ फिल्म को देखा है। इतना ही नहीं, कुछ दर्शकों ने फिल्म को 4 दिन तक 4 शो में देखा और साथ ही साथ अपने पूरे परिवार को भी दिखाया। इतना ही नहीं, कुछ दर्शकों ने निर्देशक को ऐसी ही फिल्म आगे भी बनाते रहने की सलाह दी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़, भोजपुरिया की रिपोर्ट।